रविवार को भिलाई के निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा काबिज करने के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई। 7 मई को दुर्ग जिले में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए भाजपा के सभी प्रकोष्ठों ने अपना प्रयास चरम पर शुरू कर रखा है। इसी कड़ी में भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ की अहम बैठक भिलाई के एक निजी होटल में संपन्न हुई, जिसमें चिकित्सा जगत से जुड़े हुए लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर काबिज करने का संकल्प लेते हुए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। साथ ही केंद्र में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने के लिए चिकित्सा जगत से कई नए चेहरे और कुछ वरिष्ठ लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया और भाजपा द्वारा पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों पर चर्चा हुई। साथ ही पुनः भाजपा की सरकार बनाने संकल्प लिया गया। देखिए, चुनाव के समय ये चुनावी सम्मेलन था कि आप सभी जो बुद्धिजीवी हैं, जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आए और 400 पार हो, इसके लिए काम करें, ये अनुरोध सबसे किया गया। और सभी को भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धि है और विपक्ष के घोषणा पत्र में जिस प्रकार की हवा हवाई बातें हैं, वो सब बता करके एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाने का अनुरोध किया। बीजेपी लगातार आक्रमण के मूड में है और आक्रामक रूप अपनाए हुए है। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यदि 25 सभा हुई है तो कांग्रेस के नेताओं की 3 भी नहीं हुई। ये बताती है कि वो कितने निराश हैं, हताश हैं कि दिल्ली से बाहर भी जो है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे निकलने से डर रहे हैं कि जनता के बीच जाएंगे तो यदि उनके घोषणा पत्र पे, उनके कार्यों पे सवाल होगा तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए निराश और हताश वो हैं, हम तो उत्साहित और उत्साह से लबरेज। कांग्रेस ने 1 लाख रुपए देने का वादा किया है महिलाओं को, किस तरह देख रहे हैं इसको? कैसे देंगे ये बता दीजिए आप। 70 करोड़ महिलाएं हैं देश में और 70 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, जबकि 40 लाख करोड़ का देश का बजट ही है, तो क्या पूरा बंद करके देंगे? तो भी नहीं दे पाएंगे। 500 रुपए महिलाओं को देने का वादा कांग्रेस के पिछले घोषणा पत्र में था, जिसमें कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, क्या दिया? महिलाओं का ऋण माफी का वादा था उसके घोषणा पत्र में, क्या वो हुआ? शराबबंदी का वादा था, क्या वो हुआ? आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को जो पोषण आहार मिलता है वो महिला समूह को दिया जाता था, उसको छीन करके उद्योगपतियों को कांग्रेस ने दिया। ये महिला सशक्तिकरण का सिर्फ नारा कांग्रेस देते हैं और एक सीधा सा गणित है कि 70 करोड़ महिलाओं के लिए 70 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी देश का। देंगे ना? चालू होगा, कब देंगे? वही चुनाव के कांग्रेस पूछ रही, कब देंगे? हमने किसानों को 3100 रुपया दिया, 2 साल का बोनस दिया, महतारी वंदन का पैसा दिया, एक एक करके हम उसको भी पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में 11-0 का स्कोर रहेगा, भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीटें जीतेगी और हर सीट पे 1 लाख वोट से ज़्यादा से जीतेगी। आज भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ की जो बैठक हुई है, इसमें डॉक्टरों के माध्यम से हमने एक सुझाव लिया कि इस चुनाव में हम किस ढंग से बुद्धिजीवी वर्गों के बीच में जा सकते हैं और उनके बीच में अपना विचार भी रखे, राष्ट्र प्रेम के विषय पर लेके, डॉक्टरों के विषय को लेकर और अन्य अन्य विषय, देश के में मोदी सरकार के विषय को लेकर और अन्य विपक्षी दलों के विषय को लेकर भी उसमें विचार रखा। और उस विचार के बीच में सभी बुद्धिजीवी डॉक्टर वर्गों ने ये कहा कि हम इस बार 400 पार के लक्ष्य पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजय सिरी दिलाएंगे। पूरे शहर के समस्त बुद्धिजीवी डॉक्टरगण हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और उनके द्वारा जिस प्रकार से हमें सहयोग का आश्वासन मिला, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये सब रहेंगे। वर्तमान में जिस तरह से कांग्रेस से लोगों का पलायन जारी है और भाजपा में प्रवेश का सिलसिला चल रहा है, इसे देखकर एक बार फिर केंद्र में भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है। ACN News के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।